फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जिला नासिक के इदतपुरी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। एक ही घर के 5 लोगों की पानी में डूबने से हुई मौत। जिला नासिक के इदतपुरी में मशहूर भवली दाम पर नहाने गए एक ही घर के 5 लोग पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नासिक के घोसावी वाड़ी में रहने वाले हनीफ शेख, जो कि रिक्शा ड्राइवर थे, उनकी उम्र 24 साल थी। बुधवार के दिन वो अपने भांजे और भांजियों के साथ पिकनिक मनाने गए थे। हनीफ शेख के भांजे अनीस की उम्र 15 साल, भांजी नाजिया की उम्र 15 साल, मिसबा 16 साल और इकरा की उम्र 14 साल थी। हनीफ इन सब को रिक्शे में लेकर इदतपुरी के भवली दाम पर पहुंचे, जहां उन सब ने मिलकर घूमने फिरना शुरू किया और फिर बाद में सब ने पानी में छलांग लगाकर तैरने का फैसला किया, जो कि इनके मौत का सबक बन गया। पहले 2 लोग डूबे, उन्हें बचाने के लिए बाकी के 3 ने छलांग लगाई, जिसके बाद वो सब डूब गए। आपको बता दें कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सेफ्टी या सेफ्टी गार्ड मौजूद नहीं थे, जो उनकी जान बचा पाते। मिली जानकारी के अनुसार इदतपुरी पुलिस टीम भवली दाम पर पहुंचे और उन्होंने उन सबको बाहर निकाला और फौरन हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।